नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं देश विदेश से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों की ओर। आज इफको एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नैनो उर्वरक आधारित कृषि अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इफको किसान सेवा केंद्र धार मंडी में किया है। इसे मुख्य अतिथि प्रकाश चंद्र पाटीदार, विपणन प्रबंधक भोपाल, विशेष अतिथि ज्ञान सिंह मोहनिया, उप संचालक कृषि धार एवं अतिथि डॉक्टर डी के सोलंकी, उप महाप्रबंधक कृषि सेवा भोपाल आर के राठौर, उप महाप्रबंधक भोपाल पंकज अभियंकर इंदौर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन विकास चौरसिया इफको क्षेत्रीय अधिकारी धार ने किया। कार्यक्रम में 90 ग्राम सेवकों ने भाग लिया है, जिनको विपणन प्रबंधक के इफको के नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग और लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उनके बाद कार्यक्रम की अगली कड़ी में भी सभी अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत किया। उप संचालक ज्ञान सिंह मोहनिया ने सभी कृषि विस्तार अधिकारियों को फील्ड में 15-15 नैनो ट्रायल लगवाने और किसानों को नैनो के लाभ बताने को कहा है। सोलंकी जी ने नैनो उर्वरकों के साथ सागरिका और 19-19-19 उर्वरक के उपयोग और उनके अभूतपूर्ण परिणाम के बारे में जानकारी दी है। विकास चौरसिया ने क्षेत्र में इफको के द्वारा नैनो के प्रचार प्रसार और 2 पेटी 48 बॉटल की खरीद पर बैटरी चालित स्प्रे पंप या पेट्रोल चालित पावर पंप सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने की बात कही। राठौर उप महाप्रबंधक ने नैनो यूरिया के साथ सागरिका के रिजल्ट के बारे में जानकारी दी है। कार्यक्रम में आए सभी कृषि विस्तार अधिकारी ने नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जाना है और क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार करने की बात कही। कार्यक्रम का आभार इफको बाजार के अधिकारी हरपाल सिंह ने माना है। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास दो स्रोत रहते हैं, रासायनिक स्रोत होता है, जैविक स्रोत होता है। दूसरे काफी जमीन उतरने के लिए और जैविक का हमारे पास लिमिटेशन हो गई। हमारे पास में इतना गोबर खराब है, हमारे पास गर्मी का दोष है, हरी खाद को भूल गए, हरी खाद को भूल गए। पहले फसल कटने के बाद फसल को खेतों में लाया जाता था, अब उसको भी आग लगा कर जला देते, तो जो बैक्टीरिया थोड़ा बहुत फंस जाता था उसको भी आग लगा के खत्म कर दिया। विनोदन इसकी वजह से क्या